अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का उनवान है, क्या पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या रहते रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में आपको जा बजा ऐसी बस्तियां, ऐसी आबादियां, ऐसे घर, ऐसे मोहल्ले, ऐसी गलियां नज़र आएंगी जहां गुर्बत नाचती है। जगह जगह आपको अफलास ज़दा चेहरे नज़र आएंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी शक्ल से गुर्बत टपकती है। गंदगी, बदनज़मी और बेतरतीबी का अमली मुजाहरा न सिर्फ हमारे गांव देहातों में नज़र आता है बल्कि इसका दायरा कार छोटे बड़े तमाम शहरों तक फैला हुआ है। हमें ये बीमारियां, ये प्रॉब्लम्स, ये मसाइल जगह जगह नज़र आते हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। आइए इसका तजिया करते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम वाकई गरीब हैं। जब हम पाकिस्तान पर एक सरसरी निगाह डालते हैं तो मसाइल और गुर्बत और परेशानियां और गंदगी के अलावा हमें कुछ और चीज़ें भी दिखाई देती हैं, और वो चीज़ें हैं जंगल, पहाड़, समुंदर, मैदान, खेत, सहरा, धूप, रोशनी, बारिश, बेहतरीन मौसम। हमें यह भी दिखाई देता है कि बहुत सी ज़मीन ऐसी है जहाँ फसलें उग सकती हैं, जहाँ से सोना पैदा किया जा सकता है, मगर वो वीरान पड़ी है, वहाँ कोई काश्तकारी नहीं हो। हमारे दरियाओं का पानी हर साल हमें तबाह बर्बाद करते हुए, डबोते हुए समुंदर में जा गिरता है, लेकिन इससे हम कोई अहम काम नहीं लेते, कोई बिजली नहीं बनाते, कोई इसे फसलों के लिए स्टोर नहीं करते, हम डैम नहीं बनाते। आपने अक्सर एक जुमला सुना होगा कि डैम तो हमारी लाशों पर बनेगा। जी हाँ, डैम बनाने के लिए लाशें नहीं जनाब, दिमाग चाहिए, पानी चाहिए, दीवारें चाहिए, मिट्टी चाहिए, सीमेंट चाहिए, लोग चाहिए, खूबसूरत दिमाग चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, ये सारा कुछ है हमारे पास, हम फिर भी डैम नहीं बनाते। लोड शेडिंग हमारा मुकद्दर बन चुका है। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, हमारे यहाँ बिजली नहीं होती। हमारे यहाँ हवा है, हमारे यहाँ पानी है, हमारे यहाँ समंदर है, हमारे यहाँ दरिया हैं, हमारे यहाँ सूरज है, धूप है, रोशनी है, हम बिजली पैदा नहीं करते, पता नहीं क्यों। मेरे एक मेंटोर हैं मोहतरम जनाब रेहान अल्लाह वाला साहब, वो अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान एक आदतन गरीब मुल्क है। पहले पहले मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने गौर करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि वो बिल्कुल सही कहते हैं। हम आदतन गरीब हैं क्योंकि ना हम सोचते हैं, ना हम अमल करते हैं, ना हम काम करते हैं, और अगर हमें कोई रास्ता दिखाए भी तो हम सबसे पहले उस पर शक करते हैं, उसके बाद उस पर लान तान करते हैं, और उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या हम तरक्की करना चाहते हैं, क्या हम मसाइल को हल करना चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म हो जाए। अगर आपका जवाब हाँ में है तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि हमें सीखना होगा, हमें हर वक्त हर लम्हे तेजी के साथ खुद को बदलना होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा। हम सिर्फ सीख कर अपने आप को बदल कर अपनी दुनिया को बदल सकते। कहाँ से सीखना होगा, कितनी फीस लगेगी, कौन सिखाएगा, इसका जवाब है यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप कभी भी जा सकते हैं, आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सीखने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप 24 आवर बिल्कुल मुफ्त, 100% मुफ्त सीख सकते हैं, कोई पैसे नहीं है, सिर्फ आपने टाइम लगाना है। आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक अदद मोबाइल फ़ोन चाहिए या लैपटॉप चाहिए, और एक घंटा, दो घंटे, जितने भी आप इजीली सीख सकते हैं, और सीखने के बाद फिर उस पर अमल कर सकते हैं, बस इतना कुछ चाहिए। एक घंटा रोजाना सीखिए, उस पर अमल कीजिए, यकीन मानिए गुर्बत खत्म हो जाएगी, हम मसाइल से बाहर निकल आएंगे, हम दुनिया के बेहतरीन प्रोफेशनल बन जाएंगे, और हमारा कोई सानी नहीं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एक बेहतरीन टूल है, इसे अपनाइए, इसे दोस्ती कीजिए, फिर देखिए आपकी किस्मत बदल जाए। सीखने के लिए यूट्यूब के अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म हैं जिनका जिक्र करना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम है, जैसे फेसबुक है, जैसे क्लब हाउस है। ये तमाम प्लेटफॉर्म आपको बेहतरीन दोस्त मुंतखब करने में, दोस्तियां बनाने में, कनेक्शन बनाने में, एक दूसरे को समझने में, समझाने में मदद देते।
दोस्त बनाइए दुनिया भर से, मेंटोर बनाइए, उनसे सीखिए कि उन्होंने अपने मसाइल पे कैसे काबू पाया। उनको कॉपी कीजिए और खुद को बदलिए और अपनी दुनिया को भी बदल दीजिए। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह दोबारा किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक रब रखा, पाकिस्तान जिंदाबाद।